हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, सामने एक तुलसा का बहुत बड़ा पौधा है। लोग कहते हैं तुलसा मर जाती है जब, जैसे आप मान लीजिए कि सर्दियों का मौसम है उस समय तो अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही मौसम जाता है सर्दियों का, तुलसा के पौधे सर्दियों के मिड में ही जाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप केयर करें थोड़ी तो तुलसा के पौधा पूरे साल ज़िंदा रह सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा पौधा है, आप देखेंगे। और ये मैंने सेपरेट एक ऐसी जगह पर लगा रखे हैं जहाँ पेड़ का साया है। पेड़ के साय में अगर आप तुलसा को लगाएंगे या किसी ऐसी जगह पर जहाँ धूप भी आती हो और ऊपर से पाला जो पड़ता है वो ना पड़ता हो और सीधी धूप जो पड़ती है वो ना पड़ती हो, लेकिन सुबह शाम की धूप पड़ती हो, तो तुलसा को आप पूरा साल लग सकते हैं। बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रो करता है। देखिए कितना अच्छा ग्रो करता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा पेड़ है आम का, जिसका साया है। साया इस तरीके से है कि वो अपर साइड से आने वाली दिक्कतों को बचाता है, दिक्कतों से इसे बचाता है। और एक नहीं, आप देखेंगे 3-4 प्लांट हैं, 1-2-3, और एक डिब्बे में लगा हुआ पेंट के 4 प्लांट हैं। दूसरी बात आती है कि तुलसा को ग्रो करने का सही समय क्या है। आप तुलसा को हमेशा ऐसी जगह रखिए जहाँ पे थोड़ा कुछ उसके ऊपर में सरफेस हो, ताकि वो पाले से बच सके और तेज़ गर्मी से बच सके। अगर आप ऐसा करके रखेंगे तो आपको तुलसा का पौधा जो है आपका, वो कभी नहीं मरेगा, वैसे ही हरा भरा और सुंदर रहेगा। और इस पर सीड लगातार आते रहते हैं, यानी फूल के आने के बाद सीड आते हैं, और सीड आने के बाद सीड नीचे गिर जाते हैं। लोग कहते हैं तुलसा नहीं होती, मेरे यहाँ बहुत होती है, हज़ारों की तादाद में पौधे होते हैं। मेरे यहाँ काली तुलसा भी है और हरी तुलसा भी है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे पौधे निकल रहे हैं। ट्राइपॉड को स्मॉल कर लें अपने। और तुलसा को लगाने का सही समय क्या है, आपको ये पता चले सीड से अगर ग्रो करनी है तो। दोस्तों तुलसा को लगाने का सही समय जानने के लिए सबसे अच्छा उसके सीड डालकर छोड़ दीजिए, और जैसे ही उनका फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो ग्रो करने लगेंगे। मैंने आपको यही बताया था कि जब किसी पौधे का आपको जानना हो कि उसका फेवरेबल कंडीशंस कब हैं, तो आप उसे के सीड डालकर छोड़ दीजिए। कुदरती तौर पर कुछ सीड उसमें से ग्रो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे तुलसा के पौधे निकल आए हैं बहुत सारे, यानी कि अब तुलसा को लगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि कुदरती तौर पर इस समय जो है पौधों सीड से पौधे निकल रहे हैं। और एक नहीं है, बहुत पौधे हैं। आप देखिए 3 इधर हैं और एक ये रहा, और बहुत सारे हैं। इनमें घास वालों में भी तुलसा के होंगे, देखिए यहाँ पर हैं तुलसा के छोटे छोटे पौधे। तो इस तरीके से सीड अगर गिरे हुए हैं तो तुलसा टाइमली निकल आएगी, और आपको पता चल जाएगा तुलसा को लगाने का सही समय क्या है। अभी चल रहा है जून, 13 जून है, तो यानी मिड जून आप तुलसा के सीड लगा सकते हैं और सीड से तुलसा के पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये सबसे सही समय है हमारे यहाँ पे, लेकिन ये वेरी कर सकता है। राजस्थान में अगर आप हैं तो टाइम अलग होगा, कश्मीर में आप हैं तो टाइम अलग होगा, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। बारिश हुई है एक हल्की सी, यानी बारिशें शुरू हो गई हैं। बारिशों की शुरुआत में आप तुलसा को ग्रो कर सकते हैं, या आप ये मान के चलिए आपके यहाँ जब बारिशें शुरू होती हों उसकी स्टार्टिंग में आप सीड लगा दीजिए, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी तो मेरे यहाँ पे हज़ारों प्लांट निकल आएंगे। देखिए कितने प्लांट तुलसा के निकल आए हैं, काली और हरी दोनों ही तुलसा होती हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे यहाँ पर। आज तक मुझे ये नहीं लगा कि तुलसा के कुछ पौधे मर गए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तुलसा के बारे में आपने काफ़ी डीपली समझा होगा कि तुलसा कैसे ग्रो कर सकते हैं आप, उसको ग्रो करने का सही समय कैसे जान सकते हैं। सीड डाल के छोड़ दीजिए क्यारी में, जब उसके ग्रो होने का सही समय आएगा वो ग्रो हो जाएगी। और थोड़ा सा हल्की सी किसी चीज़ प्लांट की शेड में रखिए, यानी कि धूप मिले उसे, लेकिन डायरेक्ट दोपहर की जो पीक टाइम की जो धूप होती है वो ना गिरे, और जो सर्दियों में पाला होता है वो उस पर ना गिरे, तो पूरा साल तुलसा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने भी सीखा होगा कि तुलसा को किस तरीके से आप पूरा साल चला सकते हैं, और तुलसा के नए पौधे आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।